अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और होपफुली यू नो यू विल लाइक द कॉन्टेंट। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज ये था कि मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं यहाँ पर। काफ़ी दफ़ा मैं आया हूँ मदीना और मैं चाहता था कि कुछ लोगों की हेल्प हो जाए। अगर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता है कि यू नीड ऐप व्हिच यू नीड टू डाउनलोड एंड यू नो यू मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस सिलसिले में जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की तो आई जस्ट वांट टू शेयर बेसिकली माय एक्सपीरियंस अबाउट इट। इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं बनाऊँ ताकि जो गलतियाँ मुझसे हुई या जो चीज़ें मैंने देखी एक्सपीरियंस की ऑब्जर्व की वो शायद किसी बेहतरी के लिए किसी के काम आ जाए। तो आप चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँ तो तमाम लोगों को इसमें हेल्प मिल सके। सबसे पहली बात, अगर आप मदीना आ रहे हैं उम्रे के लिए या ज़ियारतों के लिए, दार मक्का, कुछ लोग मक्का पहले जाते हैं, कुछ लोग मदीना पहले आते हैं देन दे गो टू मक्का, डजंट मैटर एनी वे, आपको जो है वो नुस्क ऐप की ज़रूरत है। अगर आपने रोज़ रसूल में जाकर दुरूद सलाम वगैरह करना है, सलाम भेजना है, हाजिर लगानी है अपनी, तो उसके लिए आपको जो है नुस्क ऐप की ज़रूरत है। वो आप अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। उसमें आपको लॉगिन बनाना है, आपकी बेसिकली डिटेल्स वगैरह देनी है। उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, मैंने मतलब इतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है वो ऐप, तो आप उसे मसले मसाइल आते हैं। लेकिन कुछ बातें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ लोगों के आम जहनों में ये है कि आप एक लॉगिन बना लें और आप मल्टीपल टाइम रोज़े रसूल पे जा सकें। ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर एक बार आपने हाजिरी लगाई है तो उसके बाद मेरे ख्याल है 45 दिन तक आप दोबारा जो है रोज़े रसूल की ज़्यारत नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है। जो भी टाइम आप को मिल रहा है, अवेलेबल है, बहुत मुश्किल से जो है अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, और जो भी आपको टाइम मिल रहा है वो आपने ये देखना है कि आप टाइम पे पहुंच सकते हैं या नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, कभी ऐप नहीं चल रही। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको लोकल सिम की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दे विल नॉट एक्सेप्ट स्क्रीन शॉट्स वगैरह। जो है लोग समझते हैं कि स्क्रीन शॉट आप चल जाएंगे, नहीं, दे वांट टू सी बेसिकली लाइव ऐप आपके फ़ोन पे। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करें तो मेक श्योर करें कि आपके पास यहाँ लोकल सिम हो, थोड़ा सा डेटा हो उसमें, ठीक है, इतना कि वो आपका आपकी ऐप को देख सकें फ़ोन में। और इस इट बेसिकली शोज एक्टिव, वो ब्लिंक कर रही होती है QR कोड, जब तक वो ब्लिंक नहीं करेगी कि आपको अंदर नहीं जाने देंगे, ये रिफ्यूज़ कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि लोग अनफॉर्चुनेटली भगदड़ बहुत मचती है यहाँ पर, हर बंदा जो है वो अंदर जाने के चक्कर में होता। अभी भी आप देख लें ये क्यू लगी हुई है, ठीक है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता दूँ। एक तो आपने गेट नंबर याद रखना है, क्योंकि कईयों के होटल जो हैं वो हरम बहुत बड़ा है, यू कैन बी ऑन अदर साइड और मे बी फार अवे, मे बी यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से गेट देख लें। ये जो इस गेट सिस्टम है जो हरम का, अंदर के गेट जो है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाने की। वो जो है 38 नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, कोशिश करें, ये 38 आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली आपने अंदर जो डोर नंबर है 38, वो आप देख सकते हैं ग्रीन डोर, उसके पास जो है 38 डोर नंबर, तो यहाँ सामने आपने आना है इस एरिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो 368 आप देख सकते हैं, 368 ये डोर नंबर है। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। औरतों का जो है वो टाइम डिफरेंट है, ठीक है, औरतों का टाइम डिफरेंट है। यूजली उनका 11 बजे
ईशा के बाद 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अपॉइंटमेंट्स होती हैं। और मर्दों का जो टाइम है वो मैंने नोट किया है, अपॉइंटमेंट्स आपको यूजली मिलती हैं 1 बजे सुबह या 1:30 बजे, 2 बजे से ऑनवर्ड्स। तो उस हिसाब से जहाँ अभी आप ऑब्वियसली कोशिश ये करेंगे जल्द से जल्दी पहुँचें यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा जल्दी में नहीं आना है आपने, बिकॉज ये आपको अंदर नहीं जाने देंगे। 10 मिनट पहले मेरा ख्याल है, या अगर 10-15 मिनट पहले आप उस क्यू में लग जाएं तो ये आपको अंदर जाने देंगे। और ऑब्वियसली वहाँ पे आप देख सकते हैं चेकिंग हो रही है, 3-4 जो है वो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का कस्टोडियंस भी हैं और यूनिफॉर्म स्टाफ भी है, ये जो है चेक करके लोगों को जाने दे रहे हैं। तो ये जो क्यू अंदर जा रही है, दैट मीन्स इन सब के जो पास हैं वो काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं और कोई इशू नहीं है। और जो उस तरफ आप देख रहे हैं, आप कोशिश मैं आपको कोशिश करके जूम करके दिखाता हूँ, तो उस तरफ आप देख रहे हैं, ये देखें वो जो ये जो आप देख रहे हैं, ये शायद स्क्रीन पर देख लें, सॉरी मादर के साथ लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जाहिर है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्लियर व्यू दिखाऊँ। तो उस तरफ जो है वो मुझे मना कर रहे हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा मूव हो जाऊँगा। तो अगर जाहिर है इन्होंने ये बनाया हुआ सिस्टम, अगर आपका पास वैलिड नहीं है या आपका टाइम नहीं हुआ है तो वो आपको वहाँ से निकाल देंगे वापस, तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी क्यू नियर योर टाइम, ठीक है। कुछ बातों में मैं भूलना चाहूँ, हाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है फ़्लाइट 2 वीक बाद है और आपने वीज़ा ऑलरेडी ले लिया, तो नुस्कैप प्लीज़ डाउनलोड कर लें जल्द से जल्द। और नुस्कैप डाउनलोड करने के बाद आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको व्हाट यू नीड इज़ बेसिकली अ वीज़ा नंबर, अ कामा नंबर, वट एवर यू कॉल इट, वो आपने जो है आपको चाहिए। और उससे आप बगैर यहाँ फ्लाई किए आने से पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल पता है कि भाई 2 वीक बाद आपने मदीना में लैंड करना है और अगले दिन आपकी जो है होटल है, व्हाटएवर हाउएवर इट्स फीजिबल फॉर यू, प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है पहले आने से पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। वरना बेसिकली अगर आप नहीं बुक कराएंगे तो फिर रोज़ा रसूल की ज़्यारत करना मुश्किल होगी। और ज़ाहिर है हम यहाँ आते हैं इतनी दूर से, और वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ टू कम हियर, पे आवर रिस्पेक्ट, यू नो, सलाम करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। अगर यही हम ना कर सकें तो फिर ज़ाहिर है आप किस भारी दिल के साथ आपकी वापसी होगी कि यार मैं यहाँ इतनी दूर आया था, मस्जिद नबी भी आया लेकिन मैं अंदर ना जा सका और अपना जो है दुरूद सलाम नहीं पेश कर सका, अपनी रिस्पेक्ट नहीं पे कर सका। तो इसकी इसलिए कोशिश ये करिएगा कि नुस्कैप को जल्द से जल्द डाउनलोड करें। अगर आपका कोई प्लान बन रहा है, फ्लाइट्स वगैरह बुक हो गई है, होटल्स बुक हो गए, आपको अपनी विजिट की डेट्स पता हैं, उस हिसाब से प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करें। ऑल यू नीड इज़ योर पासपोर्ट नंबर एंड विजिटर वीज़ा और उमरा वीज़ा, जो भी आपका है उस हिसाब से उसको आप रजिस्टर करके बगैर, मतलब कहीं भी दुनिया में बैठे हैं आप, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वट एवर कहीं भी आप दुनिया में बैठे हैं, आप अपना जो है वो उसको बुक कर सकते हैं। और उससे ही आसानी ये होगी क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड है और कभी कभी ऐप क्रैश कर जाती है। मुझे 3 दिन लगे अपना अकाउंट रजिस्टर करने में, इतनी जो है मैंने 2-3 फोन चेंज किए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि तमाम लोगों की हेल्प हो जाए, कि अगर आप पहले से ये कर लेंगे काम तो कम से कम आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ आ जाएं, जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, हर कोई एक एक हफ्ते के लिए नहीं आता, मे बी आप 2 दिन के लिए आएँ, 3 दिन के लिए आएँ, तो आपके पास टाइम शॉर्ट है। उस हिसाब से आपने ये करना है कि आपने आने से पहले अपनी उन दिनों में, जिन दिनों में आप यहाँ मौजूद होंगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। और अगर आप नहीं बुक करेंगे तो फिर ज़ाहिर है डिसअपॉइंटमेंट है। और अगर आपने एक ये सोचा हुआ है कि यार कोई बात नहीं, मैं मल्टीपल विजिट कर सकता हूँ, मैं 2-3 अपॉइंटमेंट बना लूँगा, ऐसा नहीं होता। सारे लूप वाले इन्होंने बंद कर दिए और बेसिकली एक ही अपॉइंटमेंट आपकी होगी एक टाइम पे। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल एक अपॉइंटमेंट बना चुके हैं तो आप उसके ऊपर दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं बना सकते अनलेस वो उम्रे के लिए हो। तो मदीने की जो अपॉइंटमेंट है वो एक ही होगी जब तक कि वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाती।
और वंस यू डन बेसिकली यू अचीव यू अवेल यू यू बेसिकली गॉन इन, आपकी अपॉइंटमेंट एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो आप दोबारा ये सोचेंगे यार मैं दोबारा अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले लेता, ऐसा नहीं होता। कोशिश करें कि एक ही मरतबा में अपॉइंटमेंट बनाएं जिस टाइम पे सूटेबल है आपके लिए। तो बेसिकली उसके बाद आपको मेरा ख्याल है ये 45 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद आप दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर 45 डेज। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ नहीं पता थी बातें, मुझे भी नहीं पता थी, कुछ लोगों की रिसर्च अच्छी है, बाहर मेरी नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि यार कुछ नहीं होता, वहाँ जाना और वहाँ जाके जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी आपको। तो प्लीज़ 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 ऐसा मत करिएगा। अगर आप लोगों का प्लान है यहाँ आने का मस्जिद नबवी और मदीना, तो उन डेटों के हिसाब से नुस्खे आप डाउनलोड करें और पहले ही अपनी अपॉइंटमेंट बना लें। अच्छा, बच्चों का ये है कि कई लोगों ने कंपेनियंस में जाकर अपने ऐड कर लिए, कहीं दफ़ा नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप दो लोग हैं, टू एडल्ट्स हैं, तो आपको अपने अपने फ़ोनों पे दो ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी और दोनों को अलग अलग रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेटा और बेटी 8-10 साल के, तो वो आप उसको उनको अपने साथ ले जा सकते हैं, दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट। तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि टाइम से पहले यहाँ पहुँच जाएँ और एज अ सेट के यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन ये 10 मिनट से पहले आपको 15 मिनट पहले से अंदर नहीं जाते। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ कि मैंने जब भी विजिट किया है यहाँ पे भगदड़ मैंने देखी है, लोग जो है वो क्यू का वो रिस्पेक्ट नहीं करते और बिल्कुल भी लोगों के बच्चों के रिस्पेक्ट नहीं करते और एक दूसरे के ऊपर इवन चढ़ भी जाएंगे और अंदर चले जाएंगे। मतलब आई रियली डोंट नो, आई वुडंट डू सच अ थिंग, यू नो। तो कोशिश ये करिएगा कि नुस्खे आप डाउनलोड करें और अपॉइंटमेंट जो है वो बना लें। इवन आपने अभी फ्लाई नहीं किया है मदीना, बिकॉज इट्स नेसेसरी, इट्स वाइटल, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट होती है। कई लोगों को हुई है जो लोग आए हैं ये सोच के कि हाथ की आदमियाँ सामने आएंगे और डाउनलोड करेंगे और अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपॉइंटमेंट जो है वो मिलती नहीं है कभी किसी टाइम, यू नो दे प्रॉब्ली रिलीज इट अबाउट मिड डे सम अपॉइंटमेंट, sometimes they're doing it after fajr, so you have to keep checking to get the appointment you basically need for your suitability. So as a promise video waqai mein kafi thodi si lambi ho gayi hai. Acha, thodi si baat ek aur main aapko bata dun ki auraton ke liye bhi, khawateen ke liye bhi yahi door hai, ye aap dekh sakte hain, aur mardon ke liye bhi yahi. Timings alag alag hain, kabhi ye nahi hoga के औरतों और मर्दों की एक साथ अपॉइंटमेंट होगी, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने सेट टाइम्स बना दिए हैं। अब मैं बोलना नहीं चाह रहा क्योंकि अब क्या पता जब ये वीडियो आप देख रहे हो कुछ और चेंजेस आ गई हो, तो इसीलिए मैं यूजली वो उनकी, मैंने आपको बताया कि इशा के बाद औरतों की होती है, लेडीज़ की होती है, खवातीन वगैरह इधर आती हैं, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जो है वो मर्दों की होती है, मैं जो है दे कैन विजिट एज वेल। अच्छा, व्हील चेयर का भी बहुत अच्छा निज़ाम है। अगर व्हील चेयर है आपकी तो ऐप में कोशिश करिएगा टिक कर दें कि पर्सन इज़ यूजिंग अ व्हील चेयर। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, जैसे बूढ़े माँ बाप हैं या कोई भी ऐप, कोई भी डिसेबिलिटी उस हिसाब से, तो ये लोग ख्याल रखते हैं। बट ऑब्वियसली देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अपॉइंटमेंट्स। पहले तो ये होता था लोग स्क्रीन शॉट वगैरह दिखा के अंदर जा रहे थे और ऐसी सब बातें होती थी, सब इन्होंने बंद कर दिया। अब दे लिटरली टू समटाइम्स टू पीपल विल चेक योर मोबाइल, नॉट वन, तो दे नीड टू सी योर QR कोड इज़ ब्लिंकिंग। जब आप बुक करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर वो ब्लिंकिंग नहीं कर रहा तो वो दे विल बेसिकली से टू यू एग्जिट फ्रॉम द अदर साइड, अंदर आपको नहीं जाने देंगे। तो प्लीज़ आखिरी बार दोबारा कह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि सब्सक्राइब करना चैनल को, इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और आई विल ब्रिंग मोर व्लॉग्स फॉर यू गाइस। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियो शॉर्ट करूँ और ज़्यादा एडिटिंग ना हो, तो ऐसा ही लगे आपको जैसे आप वहाँ मौजूद हैं और विजुअली आप खुद देख रहे हैं ये चीज़ों को। तो बहरहाल इजाज़त दीजिए, ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, अल्लाह जो है आपको जल्द से जल्द यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए और मे यू कम हेयर, मे यू ऑल ऑफ यू गाइस कम हेयर एंड सी इट फॉर योरसेल्फ इंशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।